कटते भी चलो पढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, चलते भी चलो कि डेरे अब मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ये जो आप लोग आज यहां जुटे हुए हैं, ये संघर्ष केवल भाई चंद्रशेखर आजाद की रिहाई पे खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो भगवादारी गुंडे बैठे हुए हैं, जो बाबा साहब के संविधान का सौदा संसद में कर रहे हैं, जब तक उनको संसद से बाहर निकालकर चंद्रशेखर जैसे जुझारू व्यक्ति को संसद में नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। आपने बात सुनी होगी कि तमाम लोग आपके पास आए होंगे और ये कहा होगा कि शब्बीर पर भूल जाइए, एक बार दोबारा से नई शुरुआत करते हैं, और जब चुनाव का समय आएगा तो ऐसी राय देने वाले बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि हमसे भी अक्सर यह कहा गया कि आप गुजरात भूल जाइए, आप बलियाना भूल जाइए, आप मानेगा भूल जाइए, आप गुलबर्गा सोसाइटी भूल जाइए, और आपसे भी कहा जाएगा कि आप लक्ष्मणपुर पाथे मिर्चपुर भगारा शब्बीरपुर भूल जाइए। लेकिन हमें याद रखना है कि अहमदाबाद गुजरात के चुनाव में हमने शब्बीरपुर याद रखा था, वडगांव में हमने शब्बीरपुर का बदला लिया था, जहां पर 40% मुसलमान और 20% दलित भाइयों ने जिग्नेश को विधानसभा पहुंचाया था। आज हमें यही जरूरत है कि हर इलाके में उस योगी मोदी को हम दिखाएं कि तुमने एक शब्बीरपुर किया था, हम हर शब्बीरपुर का बदला हर इलाके में लेंगे। ये लड़ाई केवल चंद्रशेखर की रिहाई से नहीं होने वाली, जिस तरह एक संस्था को, एक संगठन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को आपराधिक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, आपराधिक संगठन बना दिया गया, ये लड़ाई केवल चंद्रशेखर के आजाद के बाहर आने पर नहीं रुकेगी, बल्कि उस इस लड़ाई में जितना हम लोग प्रताड़ित करे गए हैं, उसका जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और ये लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर के उसूलों से लड़ी जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती है वो इतिहास में गुम हो जाती है। हम अपना इतिहास नहीं भूलने वाले कि किस तरह तुमने हमारे साथ काम किया। योगी जी हमारे जाते हैं तो पहले साबुन बांटते हैं, साबुन बांटा जाता है कि साबुन बटेगा उसके बाद जो है वो हमसे मिलेंगे, हम भी याद रखेंगे। एक बड़े नेता लोहिया साहब ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। हमारे बीच में दारापुरी साहब बैठे थे, दारापुरी साहब ने गुजरात के अवैध साथियों को साबुन योगी को देने की कोशिश करी थी। जब तक योगी जी को उसी साबुन से हम नैना नहीं देंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। हमसे यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी आएंगे तो 25 किलो घी बांटेंगे, 25 किलो घी बांटेंगे। आपको और हमको याद रखाना है, घी तो हमको चाहिए नहीं, लेकिन हम तुम्हारा तेल जरूर निकाल लेंगे। और ये पकौड़ा व्यवसाय जिसकी तुम बात करते हो कि देश में विकास हुआ है, ये पकौड़ा व्यवसाय जिस दिन अमित शाह पकौड़ा छानेगा और हम लोग 50,000 रुपए से 16,000 गुना की रकम बना लेंगे, तब हम मानेंगे कि विकास हुआ है। अपना पकौड़ा तुम अपने पास रखो, हमको वही विकास का फॉर्मूला बताओ जो विकास का फॉर्मूला तुमने अमित शाह के बेटे जय शाह को दिया था। तो सवाल यह है कि यह लड़ाई संवैधानिक तरीकों से लड़ी जाएगी, और जिस तरीके से हमारे ऊपर यह सरकार आई है, हम ये कोशिश करेंगे कि जिंदा कौमें जिस तरह 5 साल इंतजार नहीं करती, 1.5 साल के अंदर इनका बुढ़िया बिस्तर पैक करके वापस भेज देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान में पहली बार सुनने को मिला कि किसी भी आदमी को न्यायालय सारे मामलों में बरी कर दे और उसको बताया जाए कि ये समाज के लिए खतरा है। तो ये संघर्ष सहारनपुर में 18 तारीख को इसका बिगुल बजेगा, और देश के अलग अलग इलाकों में जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं आ जाते तब तक ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी। और आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि देश के हर हिस्से में चंद्रशेखर रावण की आवाज को हम लोग पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।